नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद अपने YouTube चैनल माय स्मॉल गार्डनिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो आपको सामने ये पौधा दिखा रहा हूं, ये मेरे सारे पौधे ऐसे पौधे हैं जो मेरे जितने भी पौधे मेरे गार्डन में हैं उनके बीच छिपे हुए थे। आज छुट्टी होने के कारण, आज 17 सितंबर है, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी होने के कारण मैं और ऐसे पौधों को मैं ढूंढ रहा था जो मैं रोज़ देख नहीं पाता हूं। आज उन पौधों को मैंने ढूंढ के निकाला है और मुझे आश्चर्य हुआ कि आज वो कितने बड़े हो गए हैं। और मेरे यहाँ दो तीन दिन से बहुत बारिश हो रही है और गार्डन का कोई भी काम मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन आज सोचा कि क्यों ना ऐसे पौधे देखे जाएँ जो मेरी नज़रों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ उनको देख करके, वो इतने ग्रोथ कर चुके हैं, मैं सोचा भी नहीं था। मैं आपको ये सामने दिखला रहा हूँ, ये मेरा मनी प्लांट है। और गर्मियों में मैंने दो तीन महीना पहले मैंने इसको पौधों के अंदर में छाया में रखने के लिए इसको रख दिया था। और जब मैं खोज के निकाल रहा था, देख रहा था, तो देखा कि आज ये कितना बड़ा हो गया ग्रोथ करके। अब देखिए कि इसकी जो पत्तियाँ हैं इतनी बड़ी हो गई हैं। और यहाँ देखिए, ये जड़ है, आपको दिखाई दे रहा है, जो मिट्टी गमले का नीचे गिरा हुआ रहता है और उनमें ये जड़ घुस कर ये इतना बड़ा हो गया है। और मैं यहाँ आपको एक दिखा रहा हूँ, ये कलोंचे का प्लांट है, इसकी कटिंग मैंने लगाई थी। आप देखिए, छोटे से ये जो डिस्टिल वाटर का बोतल आता है बैटरियों में डालने के लिए, उसका नीचे वाला काट के मैंने इसमें इसकी कटिंग लगा दी थी। अब मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा हो चुका है। आप देखिए, ये पौधों के बीच में छिपा हुआ था, आप देखिए कितना बड़ा हो गया है। और आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मेरा ये थाउजेंड ऑफ मदर्स का प्लांट है। ये मैंने ये दीवार के ऊपर, यहाँ दीवार के ऊपर इसको रखे हुए था। और इसी के नीचे बहुत सारे आपको प्लांट दिखा रहा हूँ, ये मनी प्लांट है। आप देखिए, इसमें नीचे छोटा छोटा ये गिर के कितना बड़ा इसमें पौधा हो जा रहा है। और एक यहाँ पर मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये मेरा प्लांट है, फिलोडेंड्रोन का प्लांट है। आप देखिए यहाँ पर, ये भी मैंने छोटा सा लगाया हुआ था, ये भी मेरा पौधा छोटा छुप गया था पौधों के बीच में। आप देखिए कितना ये लंबा हो गया, ये फिलोडेंड्रोन का है। और इसी में मदर और थाउजेंड के जितने भी छोटे छोटे प्लांट गिर गए थे, आप देखिए इसमें कितने हेल्थी, इसमें बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, मुझे पता ही नहीं था। आप देखिए कि इसमें, और एक ये मेरा मनी प्लांट है वेरीगेटेड, ये भी मैंने एक डेढ़ महीना पहले लगाया हुआ था और छाया में उसको पौधे के बीच में रख लिया था। आप देखिए ये भी कितना लंबा हो गया है। यहाँ जो आप सामने आप देख रहे हैं, ये मेरा रेन लिली का प्लांट है। प्लांट का ये मैंने कुछ दो तीन बल्ब लगाए हुए थे नर्सरी से खरीद कर रेन लिली के, और उसमें फ्लावर कुछ आए हुए थे, उन्हीं के सीड थे, मैंने इस मिट्टी के गमले में लगा दिया था। और जर्मिनेट होने के बाद मैंने इसको पौधे के बीच में रख दिया था, मुझे याद नहीं था। आज मैं जब ढूंढा तो देखा कि पाए इतने लंबे लंबे बड़े बड़े हो गए हैं, जिसकी मैंने कोई केयर नहीं की थी। आज ये देखिए, अब कितना बड़ा बड़ा, आप देखिएगा इसका हेल्थी है, इसमें कितने सारे पौधे रे लिली के बन गए हैं। बस मैं आपको यही दिखलाना चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको छाया में रखने की जगह पौधों के बीच में मैंने रख दिया था, जहाँ उनकी छाया इस पर पनी रहती है। और देखिए अभी कितने अच्छे ग्रोथ कर गए हैं। छुट्टी ना होने के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था, और हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही है कि दूसरे का गार्डन वर्क कुछ आदमी नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज छुट्टी के समय मैंने सोचा कि कोई ना वैसे पौधे को देखा जाए जो मेरी नज़रों से दूर रहते हैं। आज देखिए, मैं आपको दिखला रहा हूँ कितने अच्छे ग्रोथ किए हुए हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है। और मैं ये कलोंचे का, देखिए मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कितना बड़ा हो गया है, और मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी।
और मैं कुछ दिनों में इसकी रिपोर्टिंग करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।